आज बहुत सारे पॉलिटिशियंस और सत्ता के भूखे लोग अपने वोट बैंक के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन इस एजेंडा के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने साल 1945 में अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में बता दिया था। बाबा साहेब ने उस किताब में जो कुछ भी कहा था वो आज 78 साल बाद दिखाई देने लगा है। जिस तरह का माहौल आज देश के अंदर बना हुआ है वो बाबा साहेब के सपने के लिए बहुत ही घातक है। जय भीम साथियों, बाबा साहेब के विचारों को देश के हर दलित तक पहुंचाना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में बाबा साहेब ने कहा था कि अगर हिंदू राज हकीकत में बनता है तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हिंदू चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन हिंदू राज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। किसी भी कीमत पर हिंदू राज को स्थापित होने से रोका जाना चाहिए। बाबा साहेब के लिए हिंदू राज का सीधा मतलब था द्विज वर्चस्व यानी ब्राह्मणवाद की स्थापना करना। और हिंदू राज सिर्फ मुस्लिम के लिए खतरा नहीं है, ये दलित, ओबीसी और महिलाओं के लिए भी खतरनाक साबित होगा। बाबा साहेब की दूसरी किताब इनहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने कहा था कि मुझे हिंदू धर्म से नफरत इसलिए है क्योंकि गलत आदर्शों का पोषण करता है। मेरा विरोध हिंदू धर्म के सिद्धांतों को लेकर है। बाबा साहेब क्लियर शब्दों में कहते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति उनकी नापसंदगी का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका मानना है कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की आत्मा है। बाबा साहेब लिखते हैं कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। साथियों, हिंदू राष्ट्र की स्थापना का मतलब है संविधान का खात्मा और मनुस्मृति का लागू होना। और अगर आप नहीं जानते हैं कि मनुस्मृति में शूद्र यानी दलितों के बारे में क्या लिखा है तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, शूद्र द्वारा अर्जित धन को ब्राह्मण निर्भीक होकर ले सकता है क्योंकि शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं है। नंबर दो, इन शूद्रों को शमशान, पहाड़ और उपवनों में ही अपनी जीविका का कर्म करते हुए निवास करना चाहिए। नंबर तीन, इन नीची जाति वालों के लिए कफन ही इनका वस्त्र है, फूटे बर्तनों में ये भोजन करें, इनके आभूषण लोहे के हो और वे हमेशा भ्रमण करते रहे तथा एक स्थान पर बहुत दिनों तक ना रहे। नंबर चार, धर्मांतरण करने वाला मनुष्य इन नीची जाति वालों के साथ बातचीत ना करे तथा इन्हें ना देखे। नंबर पाँच, अगर शूद्र द्विज नामों और जातियों का उल्लेख करता है तो एक 10 उंगली लंबी लोहे की कील गर्म करके उसके मुंह में डाल दी जाए। ये तो सिर्फ 5 बातें हैं जो मैंने आपको बताई, ऐसी तो बहुत सारी बातें लिखी गई है मनुस्मृति में जो खास करके दलितों और महिलाओं के लिए बहुत ही अपमानजनक है। महिलाओं के लिए लिखा है कि पुत्री, पत्नी, माता या कन्या किसी भी स्वरूप में नारी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी को छोड़ सकता है, गिरवी रख सकता है, बेच सकता है, पर स्त्री को इस प्रकार के अधिकार नहीं है। असत्य जिस तरह अपवित्र है उसी प्रकार स्त्रियां भी अपवित्र है। पढ़ने, पढ़ाने, वेद मंत्र बोलने या उपनयन का स्त्रियों को अधिकार नहीं है। साथियों, इन्हीं सब कारणों से बाबा साहेब हिंदू राज की स्थापना को देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय भीम, जय संविधान।